गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको बता दिया कि वन ईयर स्ट्रेटेजी क्या होगी अकाउंटेंसी की और इकोनॉमिक्स की। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि वन ईयर स्ट्रेटेजी किसकी है, कॉमर्स की। अब भाई कॉमर्स तो है थ्योरी, आपने 11th में पढ़ी थी, आपको बिल्कुल बोर लगी थी, आपने कहा कि भाई कॉमर्स जैसा सब्जेक्ट क्यों ही आ गया। पर मैं 12th में बताना चाहता हूं ये कॉमर्स जैसा सब्जेक्ट ये ब्रैकेट का काम करेगा। ब्रैकेट समझते हो ना, हर सब्जेक्ट के बाहर का काम, हर सब्जेक्ट में अप्लाई होगा, हर सब्जेक्ट में आगे ग्रेजुएशन में भी आएगा ही आएगा। और आगे चल के आप अगर बीबीए करना चाहते हो वो क्या होता है, वो कॉमर्स होता है। आप एमबीए करना चाहते हो क्या होगा, वो कॉमर्स होगा। आप बीएमएस करना चाहते हो क्या होगा, कॉमर्स होगा। तो कॉमर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, कॉमर्स को पढ़ने का सही तरीका क्या है, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने आपने इस तरह से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो मैं कैसे पढ़ाता हूं या मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कॉमर्स को पढ़ाने की, वो सुन लेते हैं और आपको बताते हैं कि भैया इसमें है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 15 तक 15 चैप्टर्स हैं 100% रियलिस्टिक। 100 मतलब इसमें कोई एक ऐसा चैप्टर नहीं है जो रियलिस्टिक ना हो। रियलिस्टिक मतलब बिल्कुल झूठ नहीं पढ़ाते हमारे कॉमर्स में। ये नहीं है कि भैया हम आपको झूठ सिखाते, साइंस थोड़े ना ही है। वहां पर सिखा दिया भाई हाइड्रोजन मिल रहा ऑक्सीजन से, पानी बना जा रहा, हमें क्या पता भाई पानी बना जा रहा नहीं बना जा रहा। यहां पर 100% रियलिस्टिक पढ़ा रहे भाई। बिजनेस में है, पैसे रोकड़े की बात करेंगे, फालतू बात ही नहीं करेंगे भाई। कितने का है, कितना आएगा, कितना जाएगा, कहां से कमाएंगे, कहां पे खर्चा करेंगे, कहां लगाएंगे, कहां से पैसा कमाएंगे, बस इतनी सी बात है। यही कॉमर्स की फील्ड है और इसीलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई आप तुमको बताता हूं मैं, 1 से 15 चैप्टर्स हैं और समय है हमारे पास मई से लेकर फरवरी तक। अब बात सुनो, कॉमर्स थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और बोरिंग लगता है बहुत सारे बच्चों को, और उससे भी ज्यादा दिक्कत ये होती है कि याद नहीं होता, बिकॉज याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। वो जिनसे हम प्यार करते हैं ना, हम उनको भूल ही नहीं पाते हैं। तो कॉमर्स से भी प्यार कर लो, भूल ही नहीं पाओगे, इसको रिकॉल करने की जरूरत ही नहीं है भाई, याद रखने की जरूरत ही नहीं, अपने आप याद रहेगा। तो मेरे हिसाब से इसकी बेस्ट तरीका होता है स्टोरी टेलिंग। आप तो लग रहे हो क्या बात कर रहे हैं सर, कहानियां सुनाएंगे क्या आप हमें कॉमर्स में? हाँ बिल्कुल कहानियां सुनाएंगे तुम्हें कॉमर्स में, बिल्कुल कहानी छोटी से लेकर बड़ी तक बहुत सारी केस स्टडीज होंगी जो मैं आपको पढ़ाने की, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा और उससे हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्स। मैं आपको बहुत सारे रियलिस्टिक एंटरप्रेन्योर्स छोटे से लेकर बड़े तक के बारे में बात बताऊंगा और उससे कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको कॉमर्स का सब्जेक्ट। अभी कॉमर्स के सब्जेक्ट में बहुत थ्योरेटिकल चीजें हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है कॉमर्स को। वॉल्यूम 2 आप सीबी गुप्ता से पढ़ रहे होंगे, अगर आपने सीबी गुप्ता नहीं खरीदी है तो भाई 516 रुपए की किताब है, खरीद लो, खरीदनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आईएससी पढ़ रहे हो तो ये बाइबल है, ये पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो भाई आपने लिख लिया, अब आपके पास चैप्टर नंबर 1 बड़ा आसान है, चैप्टर नंबर 2 बड़ा आसान है, 3 बहुत आसान है, 4 बहुत आसान है, 15 बहुत आसान है, इनको कर लेंगे क्लब। इसके बाद आपकी एक यूनिट, इसको बोलते हैं हम लोग मिसलेनियस यूनिट, मिली जुली यूनिट। दूसरी यूनिट है मैनेजमेंट, ये काफी बड़ी यूनिट है, और तीसरी यूनिट है मार्केटिंग। तो भाई ये 3 यूनिट है जिस पर हमको ध्यान लगा के पढ़ाई करनी है। तो मैं आपको मैनेजमेंट भी सिखाऊंगा और मैं आपको मार्केटिंग भी सिखाऊंगा, साथ में मिसलेनियस चीजें भी सिखाने की कोशिश करेंगे। अब आपको पढ़ना कैसे है, आपको रिकॉल कैसे करना है, जैसे जैसे आपको कोई भी केस स्टडी मिलेगी, केस स्टडी के बेसिस पर इसको पढ़ाई करिए। केस स्टडी सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे स्ट्रांग तरीका होता है जिससे आपको कोई भी टॉपिक दिमाग में घुस जाए। अच्छा, इस सब्जेक्ट में नंबर भी बड़े अच्छे आते हैं तो बच्चों को यह लगता है इसको याद कर लेंगे, आखिर के कुछ दिनों में पढ़ेंगे और कॉमर्स में बहुत बढ़िया नंबर ले आएंगे। तो मैं तुमको एक बात बताता हूं, आखिरी के कुछ दिनों में पढ़ोगे ये भाई वो लड़की है जो सबसे बड़ी बेवफा निकलेगी, तुम्हें नंबर नहीं लाने देगी, तुम्हें इतना रुला लेगी, तुम्हें खून के आंसू रुला लेगी, तुम हाथ काट लोगे तब भी तुम्हें कॉमर्स तैयार नहीं होगा। इतना सब कुछ है जो तुम्हें याद करना पड़ेगा और तुम याद नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूं, आसान लग रहा था स्टार्टिंग में, सबसे मुश्किल लगेगा, टफ लगेगा सबसे लास्ट में। तो साथ साथ पढ़ते चलो, इसको भी टेंशन दो, उसको भी टाइम दो, वरना बुरा मान जाएगी, ये मैं बता रहा हूं। पढ़ते चलो धीरे धीरे, पढ़ते चलो धीरे धीरे, प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है भाई, और कॉमर्स पढ़ते चले जाएंगे। कैसे कैसे पढ़ेंगे भाई, देखो सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 15। इतना पढ़ने पर हम लोग 30 मार्क्स की तैयारी कर लेंगे, मार्क्स की तैयारी कर लेंगे अपन लोग, ठीक है ना। 30 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। ये कितने दिनों में प्रिपेयर हो जाएगा, ये प्रिपेयर हो जाएगा मई और जून में, 2 महीना लगाएंगे ये पढ़ डालेंगे। उसके बाद आएगा मैनेजमेंट की यूनिट और वो खत्म होने में लगेगा आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर,
में पढ़ेंगे अपन लोग मार्केटिंग। अच्छा कुछ टीचर्स ना इसको ना जुलाई अगस्त में ही खत्म कर देते हैं, इतनी तेज पढ़ाते हैं। और कैसे पढ़ाएंगे? स्कूल में रीड करेंगे, ए भैया तुम खड़े हो जाओ जरा रीड करो, रीड करेंगे उसको समझा देंगे, हाँ ये लाइन ये बोल रही। अरे सर मुझे अनुवाद नहीं चाहिए, मुझे ट्रांसलेशन नहीं चाहिए इस किताब का। उनसे बोलो सिखाओ ये क्या है, क्या बोल रही है ये, सिखाओ तो हमें। पर नहीं, रीड करेंगे समझा देंगे, रीड करेंगे समझा देंगे। भाई नहीं चाहिए तो खुद भी कर सकते हो, इतने बड़े हो, अंग्रेजी तुम्हें आती हो, वैसे भी आईएससी के हो, तुमसे ज्यादा अंग्रेजी किसको आती है, तुम खुद पढ़ के सीख सकते हो क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन सीखना है, समझना है ये क्या बोल रहा है, रियल लाइफ एग्जांपल बताओ तो सब सब समझ में आएगा। ये बताओ हमें कि भाई बहुत साल पहले कैटरपिलर के साथ क्या हुआ था, बटरफ्लाई के साथ क्या हुआ था, एक केस स्टडी है सिखाऊंगा तुम्हें। हाँ ये बताओ सर कोडा के साथ क्या हुआ था, कैनन के साथ क्या हुआ था, ये बताओ सर हीरो के साथ क्या हुआ था, कावासाकी के साथ क्या हुआ था, और कैसे सब्जेक्ट रिलेटेड है वो सब बताओ, तब मजा आएगा आपको कॉमर्स पढ़ने में। वो सब सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, इसीलिए मुझे खत्म करने में नवंबर लग जाता है, तो मैं बहुत समय लूंगा ये खत्म करने के लिए। तो भाई मैं समय लूंगा, तो जिसको लगता है पढ़ेगा मेरे साथ तो पढ़ेगा, नहीं तो जिससे पढ़ रहा है पढ़ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब बढ़िया सिखा रहे हैं। तुमको तरीका होता है, जिसके तरीके से तुम्हें समझ में आ जाए वो बढ़िया है। तो भाई नवंबर खत्म करने के बाद क्या करना है, नवंबर खत्म करने के बाद आपको दिसंबर में केवल केवल आपको इसका प्रिपेयर करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और जनवरी में मैंने बताया है सबको क्या करना है, जनवरी में वो आएगी ताबड़तोड़ वाली वर्कशीट, जिसको पढ़ते ही तुम बाहुबली बन जाओगे, और बाहुबली बनते ही तुम्हारे कॉमर्स में 100 नंबर की गारंटी लेते हैं। हर सब्जेक्ट में 95 बोलता हूं, इसमें 100 आ जाएंगे, क्योंकि पढ़ेंगे इतना दिल लगा के, इतना प्यार कर लेंगे इस सब्जेक्ट से कि हमें छोड़ के जाएगी नहीं, देख लेना मैं बता रहा हूं तुम्हें। तो भाई अगर लगता है कि तुम्हें वीडियो पसंद आया और तुम्हें अपने दोस्तों से शेयर करना चाहिए, तो उठाओ शेयर का बटन दबाओ, दोस्तों को बताओ अच्छा काम करते रहो ना, क्या दिक्कत है। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ। दिस वॉज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज़ क्लास, बाय बाय।